जय हिंद दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं जानते हो आप लोग चित्र प्रकाशन बुक लो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को कर चुके हैं अब हम लोग जो है एनसीईआरटी जोन करने वाले हैं टी जोन हम लोग वन पॉइंट वन कर चुके हैं एन जोन में जो है हम लोग वन पॉइंट टू हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले है इसमें देखो हम लोग दो चीज जैसे तो फलों के प्रकार तो हमने आपको पढ़ा दिया है इसमें दो फलों के बारे में पढ़ेंगे एक फलन हम लोग पढ़ेंगे एकाएकी के बारे में ठीक किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग एकाएकी फलन एकाएकी फलन आप लोग जानते हो कि हमने आपको पढ़ा दिया है जैसे इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रांत और इधर के अभियब को हम लोग कहते हैं परिसर अब जैसे प्रांत में जैसे मान लो कि तीन अबियब है और परिसर में भी आपके पास तीन अवयब है और ये जो प्रांत का ये होता है प्रतिबिंब तो अगर प्रत्येक अभियब कोई ना कोई प्रतिबिंब बन जाए प्रत्येक अभियब कोई ना कोई इसका प्रतिबिंब हो तो इसे कहते हैं एक एकैकी इसे कहते हैं एक और जैसे आच्छादक फलन किसे कहते हैं आच्छादक फलन आच्छादक फलन का मतलब भी होता है कि जैसे मान लो कि ये हम लोग इसे कहते हैं प्रांत और इसे कहते हैं परिसर प्रांत में कोई भी अवयव है ठीक प्रांत में कोई भी अभियव है तो प्रांत का परिसर का कोई भी अभियव सारा का सारा अभियव जो है इसके प्रतिबिंब होना ही चाहिए ऐसे नहीं कि छूट जाए जैसे मान लो कि एक जो है इसका प्रतिबिंब है ठीक एक जो है इसका प्रतिबिंब है इसके बाद मान लो कि आपके पास पांच छठ ठीक दो का प्रतिबिंब ये है ठीक और यहाँ पर एक बढ़ा लेते हैं जिसका समझ में आ जाए मान लो कि तीन और यहाँ पर नौ तो तीन का प्रतिबिंब और छ नौ का प्रतिबिंब दोनों के दोनों छ है तो इस प्रकार के अभियब को हम लोग क्या कहते हैं इस प्रकार के अभियब को हम लोग कहते हैं अच्छा तक फलन इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रूफ करेंगे जब एक एक तक प्रूफ करते हैं तो ध्यान रखना कि एक्स वन और एक्स टू को इक्वल्स करते हैं या तो फिर एक बराबर वाई करते हैं कुल मिलाकर हम लोग व्ई करते हैं ठीक है अगर एक एकाई की और अच्छा तक है तो जो भी फलन दिया जाएगा उसके बराबर हम लोग वाई मानते हैं और ब्वाई के पदों में हम लोग अगर मान गत करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग आच्छादक फलन कैसे अभी समझो ऐसे कैसे अभी समझो ऐसे बाकी आप लोग चित्र प्रकाशन गणित आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो दो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए किस बराबर एक बटे यक्स तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यफ यक्स बराबर एक बटे यक्स और हमारे पास ये है कि सच दैट आर टेंस टू आर एक एक तथा आच्छादक है जहां आर सभी ऋढ़त्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यदि प्रांत आर को एन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर ही रहे तभी क्या परिणाम सत्य होगा इनका कहना ये है तो समझ सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास आ, हमने पहली बात तो मान लेंगे कि माना कि दो अभ्याब यक्षवंत तथा यक्षटू है हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लोग एक एक प्रूफ करोगे ना एक एक मतलब कैसे समझना जैसे यहां पर है तो यहां पर आप लोग और यू अगर यहां पर एक्स टू लिखोगे तो यहां पर भी एक्स टू लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू और हमारे पास एक एक फलन के लिए एक एक फलन के लिए जो एफ एक्स वन है एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए एफ एक्स वन का मान है एक बटे एक्स वन और ये हमारे पास एक बटे एक्स टू और इसके साथ इसके गुणा कर लो तो एक्स वन और इसके साथ इसके गुणा कर लो तो एक्स टू मतलब एक्स टू और एक्स वन बात तो एक ही तो है तो एक्स टू बराबर एक्स वन तो हम लोग एक्स टू बराबर एक्स वन अगर हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अतः यह है एक फलन है ये तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया एक एक ही फलन है अब हम लोगों को इनको दिखाना है क्या कह रहा है ये कि आच्छादक है ठीक है तो अब देखो हम लोग आच्छादक के लिए दिखाएंगे किसके लिए अब आच्छादक के लिए किसके लिए आच्छादक के लिए सबसे पहला कंडीशन हमारे पास होता है कि यहां पर जो हमारे पास आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते जानते हो एफ एक्स बराबर वाई इसको हम लोग मानते हैं एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं और जहाँ वाई जो है वाई जो है वो बिलोंग्स होना चाहिए आर से वाई किससे संबंधित होना चाहिए आर से आर का मतलब तो हम लोग जानते हो रिलेशन ठीक है तो वाई किससे बिलोंग्स होना चाहिए आर से बिलोंग्स होना चाहिए तब हम लोग क्या कहेंगे समझना एफ एक्स की जगह एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है वाई एफ एक्स की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे एक बटे एक्स तो एक बटे यक्स बराबर हमारे पास वाई एक बटे यक्स बराबर हमारे पास क्या है वाई बस हम लोग वाई के पदों में आंसर लाते, है। लाते हैं ठीक है वाई के पदों में आंसर लाते हैं मतलब समझना यक्स को पहुंचा दो यहाँ पर और यहाँ पर बॉय को पहुंचा दो मतलब यक्स बराबर हम लोग कहेंगे एक बटे वॉय कुल मिलाकर हम लोग क्या करेंगे आच्छक के लिए यक्स बराबर मान निकालेंगे यक्स बराबर मान निकालेंगे ठीक है यक्स को सिंगल निकाल लेंगे और वही हमारे पास आच्छादक कहलाएगा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो एक बटे है ना एक वटे वाई जो है ना ये किससे बिलोंग से है आर से बिलोंग्स है तो हम लोग कहेंगे कि ये आच्छादक है क्या है ये आच्छादक है हम लोग कहेंगे अतः है क्या है ये आच्छादक है ठीक इसके बाद इनका कहना है कि आर को यन में बदल दिया जाए तो साइप्रांत पूर्वत आर ही रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा इनका ये कहना था समझना इनका कहना क्या है कि आर सभी का समुच्चय है यहां पर आर जो है मतलब माइनस में संख्या का समुच्चय है आर को यन में बदल दिया जाए आर को यन का मतलब होता है यन का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में बदल दोगे क्या करोगे आप लोग इसे जो है आप लोग प्राकृतिक संख्याओं में बदल दोगे ठीक तो प्राकृतिक संख्याओं में बदलने के लिए क्या यह सत्य है तो समझना कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या लेते हैं प्राकृतिक संख्या में हम लोग लेते हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ डॉट 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 और लड़ वास्तविक संख्या में लेते हैं हम लोग माइनस एक माइनस दो माइनस तीन डॉट 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 तो क्या माइनस एक और माइनस एक और प्लस एक बराबर है तो नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि इसके लिए यह सत्य नहीं है क्योंकि ये है आर और ये है यन आर को यन बदल दिया सत्य जा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ठीक हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है दूसरे में है कि निम्नलिखित घटनाओं की एक एक तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए एक एक और आच्छादक गुणों की हम लोग जांच करेंगे सबसे पहली बात है यफ एक्स बराबर एक बराबर हमारे पास है यक्स और यन टेंस टू यन टेंस टू यन में हमारे पास इन्होंने दे दिया गया है अब इनका कहना है कि एक आच्छक है कि नहीं है यन का मतलब क्या होता है नंबर नंबर का मतलब क्या होता है हमारे पास संख्या है ठीक है तो यहां पर समझना प्राकृत संख्या है यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि यफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर सबसे पहला कंडीशन हम लोग मान लेंगे देखो इसमें दिखा रहे हर एक में हम दिखाएंगे नहीं एक में हल करके दिखा रहे बाकी सब में हल करके नहीं दिखाएंगे आपको बता देंगे ठीक है तो इसमें क्या है माना कि दो अभियब क्योंकि सब में यही करना है हमें माना दो अभियब एक्स वन तथा एक्स टू है अगर बोर्ड एग्जाम में भी हमारे पास एक एक सिद्ध करने के लिए आ जाए तो ऐसे ही सिद्ध करेंगे हम लोग हाँ तो एक्स वन और एक्स टू है तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे एफ एक्स वन तो यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर फिर हमारे पास एफ एक्स टू तो यहाँ पर एक्स टू का स्क्वायर और एक एक के लिए किसके लिए एक एकी के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होना चाहिए एफ एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वन का स्क्वायर और ये एक्स टू का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे घातों की तुलना कर लेंगे जब घातों की तुलना कर लेंगे तो घात से घात तुलना तो यक्स वन बराबर एक टू तो हम लोग कहेंगे कि अतः यफ एक एक फलन है यफ जो है क्या है एक फलन है इनका कहना है कि यफ एक एक की और आच्छादक दोनों हैं कि नहीं हैं ये बताओ अब समझना जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई यन का मतलब प्राकृतिक संख्या यहाँ पर हम लोग यन बराबर दो के लिए कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं दो के लिए कर रहे हैं अब ये मत कह देना कि घात में दो है तो वही दो के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं ठीक अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ के लिए हाँ, आच्छादक के लिए यहां दो जो है ये बिलोंग्स है दो किससे बिलोंग्स है तो हमने मान लिया दो जो है वो यन से बिलोंग्स है मतलब दो तो ले सकते हैं ना एक दो ले सकते हम लोग क्योंकि यन का मतलब ही है हमारे पास प्राकृतिक संख्या तो दो तो प्राकृतिक संख्या है तो दो किससे बिलोंग्स है यन से बिलोंग्स है अब समझना अब यहां पर आप लोग कह सकते हो कि क्या यह आच्छादक है तो समझना जब यहां पर यक्ष का मान हम समझना हम लोग पहले इसकी भाषा लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि यन का कोई, चलो ऊपर से लिख देते हैं यन का कोई भी मान ये का इसी यन का मान के बारे में बता रहे हम हाँ तो यन का कोई भी मान ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जो यक्स बराबर जो यक्स स्क्वायर है बराबर दो हो अभी समझा रहे आपको दो हो हम लोग कहेंगे अतः छादी या अच्छा तक बात है की अच्छा दी नहीं है अब समझना यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो कि यन का मान हमारे पास हम लोगों ने एक ले लिया एक नहीं लेंगे ठीक है एक तो हमारे पास मतलब एक कवर एक ही होता है इसलिए एक नहीं ले रहे हम लोग दो ले रहे ठीक दो ले रहे तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया यन का मान जो है हम लोगों ने मान लो कि हम लोगों ने यहां पर दो को एन से बिलोंग्स कर दिया दो से य्स को बिलोंग्स कर दिया दो जो है यन से संबंधित है अब यहाँ पर मान लो ये हम लोगों ने क्या किया, किया कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो अगर हम लोग यहाँ पर दो रखते हैं तो दो का वर्ग हमारे पास क्या जाएगा चार तो किसी भी कुछ भी रख दो यहाँ पर एक रख दो, दो रख दो तीन रख दो चार रख दो तो य का कोई भी ऐसा मान नहीं है यन का कोई भी ऐसा मान नहीं है यन का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर रखने पर वो दो आ जाए सपोज करो अगर आप लोग यहाँ पर एक रखते हो यन का एक रखते हो तो एक का वर्ग एक जो कि अच्छा दी नहीं है अगर यान का मान दो रखते हो तो दो का वर्ग चार जो कि अच्छा दी नहीं है यान का मान तीन रखते हो तो तीन का वर्ग नौ हमें लाना है दो हमें क्या लाना है दो तो हम लोग यन का कुछ भी मान रख दो यहाँ पर दो ला नहीं सकते इसलिए अच्छा दी नहीं है ठीक अब देखो हमारे पास इसका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ठीक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ, दूसरे का ये पहला पार्ट है अब दूसरे का हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट दूसरे का दूसरे पार्ट में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर और यफ्स दैट जेड बिलोंग्स टू जेड यानी जेड जो है आपको पता है कि जेड जो है क्या है बिलोंग्स है जेड से अब इनका भी कहना है कि एक तथा आच्छादी है कि नहीं है ये बताना है एकाईकी आच्छादी तो है कि नहीं है अच्छा जेड का मतलब आप लोग जानते हो ना जेड का मतलब यहां पर हम लोग वास्तविक संख्याओं में लेते हैं प्लस माइनस में लेते हैं संख्या प्लस जैसे जेड का मतलब क्या हो गया हमारे पास यहां पर समझना जेड का मतलब हो गया हमारे पास प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो प्लस माइनस तीन ऐसे हम लोग जेड का मान लेते हैं ठीक है अब यहां पर समझना कि हम लोग सबसे पहली बात तो एक की बात करते हैं किसकी बात करते हैं एकाईकी की तो जरा ये बताओ प्लस वन और माइनस वन दोनों क्या आपस में बराबर है तो नहीं है तो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे एक, एक नहीं है क्या नहीं है एक नहीं है अब आप लोग कहोगे कैसे तो सुनो ऐसे कि यहां पर एक्स का वन प्लस वन रखो तो प्लस वन का वर्ग भी प्लस वन यहां पर का एक, माइनस वन रखो तो माइनस वन का वर्ग भी प्लस वन तो माइनस वन और प्लस वन क्या बराबर है किंतु उसकी प्रतिबिंब बराबर है उनका जो वर्ग है वो बराबर है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक ही नहीं है प्लस वन का वर्ग भी प्लस वन और माइनस वर्ग वन का वर्ग भी माइनस वन तो दोनों का सॉरी माइनस वन का वर्ग भी प्लस वन तो दोनों का जो वर्ग है वो प्लस है बट दोनों आपस में बराबर में नहीं है ठीक इसीलिए हम लोग कहेंगे एक एक नहीं है ये दोनों बराबर में नहीं है तो ये दोनों बराबर में नहीं है एक एक नहीं है अब मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया अच्छा तक कर लिया हाँ मान लिया हमने दो ही को मानेंगे हमारे साथ दो से आपको समझ में आए तो माना कि जो है दो जो है वो बिलोंग्स है आपकी बार जेड से अब दो नहीं माइनस दो ले लो ठीक माइनस दो लेते हैं तो जो माइनस दो जो है वो बिलोंग्स है जेड से अब समझना तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ यहाँ यन का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो हो अतः यफ आच्छादी नहीं है मतलब फिर से एक बार समझना जैसे मान लो कि जेड का मान आप लोगों ने प्लस वन ले लिया तो क्या प्लस वन का वर्ग प्लस वन तो माइनस वन तो नहीं ले सकते हो माइनस दो तो नहीं ले सकते हो हमने ये नहीं कह रहे कि माइनस दो तो ही ले लो हम ये कह रहे हैं आप लोग प्लस दो ले लो माइनस दो तो ले लो प्लस ले लो हम ये भी नहीं कह रहे कि दो ही लो आप लोग तीन ले लो यहाँ पर तब भी अच्छा दिन नहीं है हम दो सौ ही बता रहे हैं आपको तो यहाँ पर आप लोग जब माइनस वन, वन लोगे तब भी उसका मन प्लस वन आएगा माइनस टू माइनस वन लोगे प्लस वन लोगे तब भी उसका मान वन ही आएगा और माइनस टू प्लस टू ले तब भी उसका मन चार ही आ जाएगा और तीन प्लस माइनस लो तब भी उसका मन नौ आएगा लेकिन माइनस दो या प्लस दो नहीं ला सकते हो इसीलिए हम लोग कहेंगे अच्छा दी नहीं है तो ये तो कुछ भी नहीं है एक एक भी नहीं है अच्छा दी भी नहीं है दूसरे का आप लोग करोगे तीसरा दूसरे का तीसरे में है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आर टेंस टू आर ठीक यफ एक्स बराबर स्क्वायर और सच आर 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 टेंस टेंस टू टू में इन्होंने दे दिया है ठीक है सेम टू सेम सेम दूसरे का दूसरे की तरह है ये बस यही उतार दोगे बस यही सेम टू सेम जेड है और आर का मतलब भी क्या है वास्तविक संख्या है यहां पे माइनस माइनस प्लस मत लेना माइनस माइनस ले लेना ले बस यहाँ पे सेम टू सेम यही यही है इसी यही हल है दूसरे का चौथा दूसरे का चौथा क्या है एफ एक्स बराबर में है यन टेंस टू यन में है प्रदत्त फलन है इनका कहना यह है ठीक दूसरे का चौथा अब यहां पर समझना यहां पर समझना यहाँ पर ये एक है एक है किंतु आच्छादक नहीं है एकाएकी कैसे है देखो यन वाला आप लोग देख सकते हो यन वाला एक एक है जो यन का मान होता ना वो एक होता ही आपका ठीक है ये ऑप्शन में चलो यहाँ पे देखेंगे पहले नहीं है क्यूब में इसे समझ लो नहीं एक ही है ये

दूसरे का आप लोग देखो अब पांचवा दूसरे के पांचवा में, में क्या है दूसरे के पांचवा यफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ एक्स बराबर और ये टेंस टू जेड यन को किस यन जो है किसी संबंधित जेड से संबंधित है अब समझना यहां पर कि यहां पर यन जो है वो जेड से संबंधित है यन का मतलब हमने ले लिया वहां लोग प्लस एक ठीक यन का मतलब हमने ले लिया प्लस एक और जेड जेड का मतलब होता है प्लस माइनस एक ठीक प्लस माइनस एक तो प्लस में एक ले सकते हो माइनस में एक ले सकते हो तो हम लोग ले लेंगे प्लस में एक तो दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं एक एक ही है अगर माइनस एक लोगे तो कहोगे एक एक ही नहीं है तो एक एक है किंतु क्वेश्चन हम लोग करेंगे तीसरा ठीक है क्वेश्चन नंबर जो आखिरी था ना वो अच्छा नहीं है ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है आ, तीसरे में है कि सिद्ध कीजिए किस बराबर हमारे पास आ, बड़ा कोष्टक के अंदर यक्ष द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन यप आर टू तो आर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है ठीक ना एक ही है ना अच्छा तक है और जो हमारे पास मार्ड यक्ष है यक्ष कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित कीजिए तो समझना आप लोग तीसरा नंबर तीसरे नंबर में हमारे पास ये दिया गया है एफ एक्स बराबर हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास यक्ष दिया गया है और दैट हमारे पास आर का संबंध आर से ही है और इनका कहना है कि ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है ठीक ना तो एक एक है और ना ही इनका कहना है कि आच्छादक है लेकिन इनका कहना है कि प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक है महत्तम पूर्णांक का मतलब जानते हो महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे मासा मासा में जानते हो जिसका कोई भी मासा ना हो उसके मासा पर हम लोग क्या लेते हैं एक जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास कोष्टक में यक्ष की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं हमारे पास सबसे पहली बात तो याफेक्स बराबर हमारे पास यक्ष दिया गया है तो मान लो कि हमने या फैक्स की जगह एक दशमलो मान लो, लो कि दशमलव में हम लोग संख्या ले रहे हैं ठीक है तो इसकी जगह एक दशमलव दो ले रहे हैं एक दशमलव दो तो इसका जो एक दशमलव दो है वो फिर इसका मासा क्या हो गया एक या फिर हम लोग ले रहे हैं कि एक दशमलव अब दो की जगह आप लोग छः ले लो पाँच ले लो चार ले लो कुछ भी ले लो ठीक तो हम लोग ले रहे हैं एक दशमलव नौ जो कि हमारे पास एक दशमलव नौ तो इसका मासा भी हम लोग कह लेंगे एक हम लोग देख पा रहे दोनों के मासा एक ही है तो हम लोग महत्व पूर्णांक एक ही है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है दोनों के एक ही प्रतिबिंब है तो हम लोग कहेंगे कि एक दशमलव दो तथा तो एक दशमलव नौ दोनों के, एक ही प्रतिबिंब है हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर एक दशमलव दो ही ले लो एक दशमलव दो ना लेके आप लोग एक दशमलव तीन ले लो यहां पे एक दशमलव नौ ना लेके एक दशमलव छह लोगे लेकिन यहां पर तो आप लोग एक ही लोगे यहां पर आप लोग क्या लोगे एक ही लोगे अब आप लोग कहोगे दोनों की एक ही प्रतिबिंब है ये दोनों की एक ही प्रतिबिंब है ठीक समझना आप लोग इसे अभी एक क्वेश्चन बताया था तो आपको शायद कम समझ में आया हो जैसे मान लो कि एक दशमलव दो है और यहाँ पर एक दशमलव नौ है तो दोनों के एक ही प्रतिबिंब है मतलब इसका और इनका दोनों के एक ही प्रतिबिंब है अब एक एक ही में एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए एक एक ही में एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए जबकि दोनों के एक ही प्रतिबिंब है और हम लोग देख पा रहे जो एक दशमलव दो है और एक दशमलव नौ है ये आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या नहीं है एक एक ही नहीं है एक एक ही नहीं है तथा हम लोग ये भी कहेंगे कि इनका कहना है कि आच्छादक है कि नहीं है तो ध्यान रखना कि हम लोगों ने क्या मान लिया दशमलव मान लिया तो हम लोग कहेंगे अतः आच्छादक नहीं है क्यों नहीं है ये बता रहे आच्छादक नहीं है क्या नहीं है आच्छादक नहीं, आगे नहीं, आगे। आगे नहीं, आगे। आगे। आगे नहीं है अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक दसमलव दो या एक दशमलव नौ ले लो कुछ भी ले लो या मान लो कि हम लोगों ने जीरो दशमलव सात ले लिया और बिलोंग्स आर से है अब जीरो दशमलव तो सात जब लिया हम लोगों ने तो जीरो दशमलव तो सात जो है हम लोग कहेंगे जीरो दशमलव तो सात का मतलब यन का कोई ऐसा मान नहीं है यन का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो एफ एक्स बराबर मार्ड एक्स बराबर जीरो दशमलव सात हो अर्थात अच्छा तक नहीं है मतलब एन का हम लोग आर का सॉरी यार एन लिख रहे हैं एन नहीं आर है यहाँ पर आर का मान आप लोग कुछ भी ले लो माइनस वन ले लोगे तब भी उसका मान प्लस वन आएगा मतलब कुछ भी ले लो मान लो कि यहाँ पर जीरो दशमलव सात हमने दर्शा दिए कोई जरूरी नहीं है आप लोग जीरो दशमलव सात की जगह आप लोग एक दशमलव दो ले लो एक दशमलव नौ ले लो मतलब कुल मिलाकर दशमलव में संख्या लोगे आप लोग दशमलव की कोई भी संख्या ले लो यहां पर आर के लिए वो सत्य नहीं हो पाएगा आर के लिए इसलिए हम लोग कहेंगे कि अच्छा तक भी नहीं है अब देखो हमारे पास क्वेश्चन number... नंबर चार ठीक क्वेश्चन नंबर चार में है क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार में है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मार्ड एक्स बात वही है एफ एक्स बराबर मार्ड यक्स माड यक्स हमारे पास और मापांक आर टेंस टू आर, आर टेंस टू आर, ठीक आर टेंस टू आर ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है इनका कहना है ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है आप लोग सबसे पहली बात तो आपको मार्ड का फार्मूला बताते हैं आप लोग तो मार्ड यक्स का जो फार्मूला है एक बार प्लस यक्स और एक बार माइनस एक्स लेते हैं ठीक है एक बार लेते हैं हम लोग प्लस यक्स और एक बार लेते हैं हम लोग माइनस एक प्लस यक्स वाले में यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो और माइनस में हमारे पास लेस देन जीरो ठीक है एक्स का मन होना चाहिए अब यहां पर समझो जरा हम आर से नहीं बता रहे डायरेक्टली इससे बता रहे क्या प्लस एक्स और ये माइनस एक्स दोनों बराबर में है तो नहीं है अब यहाँ पर हम लोग कोई भी संख्या भी ले सकते हैं अगर कोई संख्या लेना चाहे तो संख्या भी ले सकते हैं जैसे मान लो कि हम लोगों ने आर आर के लिए तो प्लस माइनस वन ले सकते हैं हम लोग ठीक है तो अगर हम लोग माइनस वन और प्लस वन लेते हैं क्या में है तब भी नहीं है तो हम लोग कहेंगे अगर ऐसे मान लो कि हमारे पास प्लस वन ले लो तो यहाँ पर प्लस वन तो मार्ठ के अंदर से कोई भी संख्या निकालोगे तो उसको प्लस में लिखोगे तो दोनों का एक ही प्रतिबिंब है इस प्रकार से दोनों का जो प्रतिबिंब है दोनों के प्रतिबिंब को अगर दिखाना चाहो तो एक ही प्रतिबिंब है माइनस वन और प्लस वन दोनों के प्रतिबिंब प्लस वन ही है इस प्रकार से लेकिन हम लोग कहेंगे कि दोनों के एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए ना दोनों के एक ही प्रतिबिंब है जबकि हम लोग देख पा रहे माइनस वन प्लस वन बराबर में नहीं है तो हम लोग कहेंगे एक एक ही नहीं है दोनों की एक ही प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए ना एक एक ही नहीं है हम लोग कहेंगे तथा अच्छा तक भी नहीं है अच्छा अच्छा तक क्यों नहीं है अच्छा तक इसलिए नहीं है जैसे मान लो कि आप लोग यहाँ पर आर uh, के लिए है ना तो माइनस वन जो है वो बिलोंग्स आर से है माइनस वन जो है वो क्या है बिलोंग्स आर से है हम लोग कहेंगे कि यक्स का यक्स का आर का आर का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो यफेक्स बराबर मार्ड x बराबर माइनस वन हो क्योंकि मार्ठ की संख्याएं हमेशा प्लस में होती है मार्ठ की संख्या हमेशा प्लस में होती है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि आच्छादक नहीं है क्या नहीं है आच्छादक नहीं है क्योंकि माइनस वन ले लिया हम लोगों ने अब माइनस वन बिलोंग्स अगर आर से है तो मार्ठ का मार्ठ के, के कोई भी संख्या ले लोग प्लस में ही आप लोग रखोगे तो मार्ठ की संख्या प्लस में होती है इसीलिए हम लोग कहेंगे आच्छादक नहीं है अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग पांच क्वेश्चन नंबर पाँच क्वेश्चन नंबर पाँच में है कि यप एज दैट आर टेंस टू आर ये दैट आर टेंस टू आर इसके बाद हमारे पास ये मान दिया गया है कि यफ एक्स बराबर हमारे पास यफ एक्स बराबर, बराबर हमारे पास एक जीरो एक ठीक एक जीरो माइनस एक यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पर यक्स इक्वल्स जीरो और यहां पर यक्ष इज लेस देन जीरो लेस देन जीरो इनका कहना है द्वारा फलन ना तो एक है और ना ही आच्छादक है ना तो एक है और ना ही आच्छादक है अब समझना अगर हम लोग यहां पर एक की बात करें और जीरो की बात करें क्या दोनों बराबर में हैं नहीं है अगर हम लोग जीरो की बात करें और माइनस वन की बात करें क्या दोनों बराबर में हैं तो नहीं है अगर हम लोग वन की बात करें और माइनस वन की बात करें क्या दोनों बराबर में हैं तो नहीं है तीनों में किसी को एक भी हम लोग ले सकते बराबर नहीं है तुम तो लोग कहेंगे यफ जो है वो क्या नहीं है एक एक की नहीं, नहीं है क्या नहीं है हमारे पास यफ जो है वो क्या नहीं है एक है कि नहीं है अब हमारे पास जैसे मान लो कि हम लोगों ने माइनस दो जो है वो बिलोंग्स कर दिया आर से माइनस वन ले लो या माइनस दो ले लो कोई बात नहीं हमने इसमें माइनस वन ले लिया इसमें माइनस दो ले लिया ठीक है अगर माइनस वन लेते हैं तो फिर माइनस वन इसमें है इसलिए नहीं दिखा रहे हम ठीक है इसलिए नहीं दिखा रहे है। इसमें माइनस वन ले रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आर का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो एफ एक्स बराबर हमारे पास माइनस दो हो ठीक क्योंकि बराबर एक है जीरो है माइनस दो है किंतु माइनस दो नहीं है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह अच्छा दक नहीं है अतः अच्छा दक नहीं है देखो अगर इनका कहना ही है कि अच्छा नहीं है तभी तो अगर हम आप लोग कहोगे कि, कि सर क्या कर रहे हो आप पता नहीं एक बार आप लोगों आप ने आपने यहाँ पर माइनस वन ले लिया यहाँ पर पला माइनस दो ले लिया ऐसा नहीं है ऐसे इसलिए है अगर हम लोग यहाँ पर माइनस वन लेते हैं यहाँ पर माइनस वन लिया हमने यहाँ पर अगर माइनस वन लेंगे अगर ये कहते थे अच्छा तक दिखाओ तो अच्छा दिखाने के लिए माइनस वन ले लेते फिर माइनस वन के बराबर होता फिर अच्छा तक हो जाता इनका कहना है कि माइन अच्छा तक नहीं है तो इसी हमें माइनस दो लेना पड़ा इसीलिए माइनस दो लिया हमने हमें दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पर ये लॉजिकल मैथ है ये अब देखो क्वेश्चन नंबर छः क्वेश्चन नंबर छः में है क्वेश्चन नंबर छः में है इस प्रकार से कि ए, ए बराबर एक दो तीन ए बराबर एक दो तीन ठीक ए बराबर एक दो तीन और चार पाँच छ सात बी बराबर चार पाँच छ सात ठीक है और एफ बराबर एक चार यब बराबर एक कोमा चार एक कोमा चार दो कवा पांच दो कमा पांच एक कोमा चार दो कवा पांच तीन कौमा तीन छीन कावा ठीक तीन कावा छः तो ए से बी तक फलन है सिद्ध कीजिए कि यफ एक एक है यफ जो है एक एक है अब समझना इनका कहना है कि यफ जो है एक एक ही है सबसे पहले बात तो सिंपल सी बात है समझना एफ़ एक एक ही है कि नहीं है यहाँ पर हम लोग डायग्राम समझ जाएंगे ए में है एक दो तीन ये ए के लिए हैं और ये जो है ये बी के लिए है बी जो है चार पाँच छः सात चार पाँच छ सात ठीक बी जो है क्या है चार पाँच छ सात अब समझना यहां पर फलन दिखाएंगे हम लोग फलन दिखाएंगे इस प्रकार से फलन को से दर्शाएंगे एक कोमा चार तो एक को दिखाओ चार से बिल्कुल सही बात है दो कोमा पांच दो को दो का प्रतिबिंब है पांच तीन कोमा छः तीन का प्रतिबिंब है छ तो अब देखो यहां पर प्रत्येक का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना प्रत्येक का प्रतिबिंबन क्या तो हम लोग कहेंगे कि एक की है ठीक एफ क्या है एक-एक प्रत्येक इधर का कोई भी अब अभी छूटना अभी 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 नहीं चाहिए इधर छूट रहा कोई दिक्कत नहीं इधर के अब अभी 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 नहीं छूटने चाहिए इधर का हर एक अब हर एक अभियव का प्रतिबिंब होना चाहिए तभी हम लोग कहेंगे एक तो तुम्हारे पास क्या है एक एक ही है क्वेश्चन नंबर सात को देखो क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात में है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक आच्छा अथवा आच्छादी है अथवा उत्तर का औचित्य भी दीजिए इनका कहना है कि एक एक और है नहीं है। समझना इनका कहना है कि एक एक आच्छादक है कि नहीं है तो सातवें में पहला पार्ट एफ एक्स बराबर तीन, तीन माइनस चार एक्स बराबर तीन माइनस चार एक्स और हमारे पास है कि R टेंस टू R में है तो R टेंस टू R में है ठीक R टेंस टू R में है इनका कहना है कि फलन एक एक अच्छा तक है कि नहीं है ये आप लोग बताओगे ठीक ये जो है आप लोग इनको बता के दोगे कि एक एक अच्छा तक है कि नहीं है और समझना यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जब हम लोग दो अब अब अभ मान लेंगे समझना कोई भी दो अबियब मान लेंगे कि एक्स एक्स टू लेंगे कि अगर आप लोग आर से दिखाना चाहो आर से दिखाना चाहो कि हम लोग कोई संख्या ले लेंगे एक ठीक तो भी दिखा सकते हो ये मान के लगा सकते हो तो हम इसको लगा नहीं रहे आप लोग जानते हो कि माना दो अबियब करके लगाओगे ना दो अबियब एक्स वन चलो तो लगा देते एक्स टू है ठीक तो यहां पर एफ एक्स वन बराबर हम लोग जानते हो कि एफ एक्स टू होता है तो यहां पर एफ एक्स वन मतलब यहां पर आप लोग लिखोगे थ्री माइनस चार एक्स वन बराबर यहां पर थ्री माइनस चार एक्स टू यहां पर थ्री माइनस चार एक्स वन यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल तो माइनस चार एक्स वन बराबर माइनस चार एक्स टू चार से चार कैंसिल माइनस एक्स वन बराबर एक्स टू तो हम लोग कहेंगे कि यफ जो है वो एक है क्या है यफ जो है एक एक है अब यहां पर समझना यहां पर हम लोग कहेंगे कि आर जो है अब आर का मान जैसे मान लो कि माइनस वन बिलोंग्स अब इनका ये कहना इनका कहना है ज्ञात कीजिए तो माइनस वन माइनस टू ले सकते हो तो माइनस वन बिलोंग्स टू आर कर लिया हमने ठीक हाँ, अब समझना कि यहां पर एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया गया है तीन माइनस चार एक्स तो यहां पर मान लो कि एक्स का मान सबसे पहली बार लोग एक ले लो एक्स का मान हम लोग क्या ले रहे हैं एक्स का मान एक पर ठीक तो बराबर हमारे पास क्या है तीन माइनस चार इंटू एक तो हमारे पास ये बराबर हम लोग कहेंगे तीन माइनस चार अर्थात माइनस एक तो हम लोग कहेंगे देखो यहां पर यह संबंधित है तो ये संबंधित है कि नहीं तो हम लोग कहेंगे अतः हाँ यछादक है देखो जब हम लोगों ने एक बराबर एक लिया एक को हल किया तो हमारे पास माइनस वन आया कि नहीं आया तो माइनस वन बिलोंग्स टू तो आर और माइनस वन आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है अच्छा तक है साथ में कहा दूसरा पार्ट क्या है दूसरा पार्ट है वन प्लस एक वन प्लस समझना आ, दूसरे पार्ट में है किस बराबर वन प्लस यक्सक्वायर और इसमें भी एफ आर टैंस टू आर से है अब यहाँ पर अगर एकक्वायर आ गया है इसका मतलब ये ना तो एक है कि है ना ही अच्छा दक है ना तो एक एक ही है ना ही अच्छा ही है ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छा दक है क्यों क्योंकि अगर जब आप लोग इसको मान रखो माइनस वन बिलोंग्स करो का वन रखो तो वन का स्क्वायर वन पर क्यूब आने पर फिर वो बन नहीं पड़ता जिससे माइनस वन ले लो तब भी आप लोग उसके साथ बिलोंग्स नहीं कर पाओगे और माइनस टू ले लो तब भी बिलोंग्स नहीं कर पाओगे क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर का अगर मान माइनस वन भी ले लोगे तब भी वो मान किया जाएगा प्लस में इसलिए हम लोग कहेंगे ना तो क्या है ना अच्छा देखें ठीक इतने को आप लोग फटाफट शॉर्ट कर लो क्वेश्चन नंबर आगे देखो आप लोग तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आठ को करेंगे आठ भी उतना कठिन नहीं है आठ भी सिंपल ही है इसी प्रकार देखो आठ केवल देखकर आप लोग डरना नहीं है आठ में है कि माना कि ए एवं बी दो समुच्चय सिद्ध कीजिए कि आपके पास यफ इस प्रकार से है आठवा नंबर यफ जो है ए क्रॉस बी सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू B क्रॉस A मतलब A क्रॉस B का अपोजिट B क्रॉस A और इस प्रकार है कि यफ जो है वो हमारे पास A कॉमा B बराबर न, B कौमा A B कॉमा A जो है इनका कहना क्या है एक एक ही आच्छादिक फलन है अच्छा एक एक ही आच्छादिक फलन है ये हम लोग प्रूफ करेंगे मतलब समझना सिंपल से जैसे हम लोग एक ही प्रूफ करने के लिए मानते हैं कि दो अभियव दो अभियव एक्स वन एक्स टू है उसी प्रकार इसमें मान लेंगे हम लोग क्या मान लेंगे समझना और फिर ये भी तो करते हैं किस प्रकार से एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते हैं इसी प्रकार इसी प्रकार इसे करेंगे समझना ए वन कॉमा बी वन बराबर यफ ए टू कॉमा बी टू अब यफ ए वन बी वन का मान क्या है हमारे पास बी कॉमा ए तो हम लोग कहेंगे कि बी वन कॉमा ए वन बराबर इसीलिए कहेंगे हम लोग बी टू कॉमा ए टू अब देखो बी वन वन बी टू के बराबर है तो बी वन जो है वो बी टू के बराबर है और ए वन जो है वो ए टू के बराबर है अब एक्स वन बराबर एक्स टू या ए वन बराबर ए टू या बी वन बराबर बी टू होना ही इसे कहते हैं हम लोग अच्छा थी फलन तो हम लोग सॉरी एक फलन तो हम लोग कहेंगे अतः एक फलन है क्लियर यफ जो है क्या है एक एक इनका कहना और भी है इनका कहना है कि एक एक आच्छादी फलन है अब समझना आच्छादी के लिए हम लोग कहेंगे कि यफ्स दैट ए क्रॉस बी के लिए बी क्रॉस ए में ए में अर्थात हम लोग कहेंगे यफ ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए में ए में मान लो ए में। हमारे पास और तो कुछ नहीं दिया गया ना तो ए में अभियब है अभियब है अतः फलन आच्छादी है मतलब जो हमारे पास ए कॉमा बी है बिलोंग्स है ए क्रॉस बी से या बी कॉमा ए जो है ए भी बिलोंग्स है बी कॉम बी क्रॉस ए से इसीलिए हमारे पास यह अच्छाधिफलन है मतलब नौ नंबर को समझो अब आठ नंबर में ज्यादा मतलब वैसा ऐसे हाई फाई नहीं है नौ नंबर को समझो नौ नंबर में है हमारे पास कि मान लीजिए कि यन बिलोंग्स यन बिलोंग्स येन के लिए ठीक तो यहाँ पर यफ़ एन बराबर यफ़ एन बराबर हमारे पास है एन प्लस वन वाई टू एन प्लस वन वाई टू और ये हमारे पास है एन वाई टू एन वाई टू यहाँ पर हमारे पास है एन बिसम है और एन सम है एन यहाँ पर बिसम और यहाँ पर एन जो है ये सम ठीक अब इनका कहना है कि यन येंस टू यन मतलब यन देंस टू यन में है कि बतलाइए कि क्या यप एक आच्छादी अपने उत्तर का औचित्य बताइए ठीक है तो इनका कहना है कि यफ जो है एक एक और आच्छादी है कि नहीं है ये आप लोग बताओगे तो समझना सबसे पहली बात तो है कि यफ एन बराबर हम लोग क्या लेंगे एन प्लस वन एन प्लस वन बाई टू जहाँ यन क्या है, य जो है ये विषम है विषम का मतलब जानते हो विषम का मतलब होता है यन का मान हम लोग जो है टू एन प्लस वन का रूप लेंगे टू एन प्लस वन का मतलब हो गया है हमारे पास ये बराबर हम लोग एन बराबर हम लोग टू एन प्लस वन का रूप लेंगे अर्थात हम लोग लेंगे एक दो तीन डॉट 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 ठीक तो हम लोग एन बराबर एक ले रहे हैं तो यफ एक बराबर हम लोग कहेंगे एक प्लस एक बटे दो अर्थात दो बटे दो कट कर हमारे पास एक ठीक अब आ जाओ आप लोग इस पर बराबर हमारे पास है एन बाई टू इसमें भी एन बराबर हम लोग संपलन है संपलन का मतलब एन का मान दो यहां पर एक तीन पाँच डॉट डॉट हाँ विषम फलन यहाँ पर दो चार छः डॉट डॉट अब यहाँ पर यफ यह दो बराबर दो बटे दो कट कर हमारे पास एक देखो दोनों के एक ही प्रतिबिंब है और इसके अलावा हम लोग देख पा रहे कि सम फलन के लिए हमारे पास क्या हमारे पास दो और एक ये बराबर है दोनों के एक ही प्रतिबिंब है मतलब कहने का अर्थ है एक और दो इधर एक तो एक का भी हमारे पास एक ही प्रतिबिंब दो का अभी हमारे पास एक ही प्रतिबिंब है ठीक तो ये एक एक ही नहीं ये तो बहु एक एक ही हो हमारे पास क्या है बहु एक एक ही है और ये दो यहां बराबर हम लोगों ने दो रखा और यहाँ पे एक रखा ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये एक आप लोग कहोगे तथा आच्छादी नहीं है एक एक अच्छादी जो है वो नहीं है ये ठीक है आप देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी में दस नंबर दस नंबर में क्या है दस नंबर में हैं कि मान लीजिए कि ए जो है हमारे पास ए जो है आर माइनस थ्री में है ए जो है वो आर माइनस थ्री में है तथा आर माइ बी जो है आर माइनस वन में है माइनस वन में है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस तीन एफ एफ्स द्वारा परिभाषित एफ ए टेंस टू बी येट ए टेंस टू बी ए टेंस टू बी में हैं। एक एक तो दक है विचार कीजिए तथा आच्छादक है अपने उत्तर का उचित तो भी बतलाइए हमें दस नंबर में हम लोग ये बताएंगे कि एकाई की तथा आच्छादक है कि नहीं है दस नंबर में भी तो समझना सबसे पहली बात तो है एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है सबसे पहले माना माना दो अब यब एक्स वन तथा एक्स टू है अब इसी प्रकार यहां पर हमारे पास एफ एक्स वन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए एफ एक्स वन तो यहां पर यहां पर एक्स है इसलिए यहां पर एक्स है यहां पर एक्स वन तो यहां पर एक्स वन यहां पर एक्स वन लिखोगे तो एक्स वन माइनस दो बटे एक्स वन माइनस तीन बराबर एक्स टू बट एक्स टू माइनस दो बटे एक्स टू माइनस तीन अब इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे इसके साथ हम लोग इसका गुणा करेंगे ठीक और समझना इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू फिर माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन देखो इसके साथ एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस टू एक्स टू और माइनस माइनस प्लस <तौ>, दो तीन छः इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस दो एक्स वन माइनस दो एक्स वन इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस तीन एक्स टू माइनस तीन एक्स टू और तीन दोनी छः माइनस माइनस प्लस छः प्लस छः प्लस छः कैंसिल और इधर एक्स वन एक्स टू से ये कैंसिल ये बचा हमारे पास माइनस तीन एक्स वन माइनस दो एक्स टू माइनस दो एक्स वन माइनस तीन एक्स टू दो को इधर ले आओ और इस दो को इधर ले जाओ ठीक तो ये माइनस तीन एक्स वन और प्लस दो एक्स वन और माइनस तीन एक्स टू और प्लस दो एक्स टू तो ये घटा लो तो माइनस एक्स वन ये माइनस एक्स टू माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स वन बराबर एक्स टू हम लोग कहेंगे कि यह फी है क्या है यफ जो है हमारे पास एक एक ही है अब आच्छादक के लिए आप लोग ध्यान रखना कि इसमें आप लोग ए टेंस टू बी आर वगैरह जेड वगैरह तो दिया नहीं गया है कि आप लोग दो मान लोगे कि तीन मान लोगे कि माइनस एक मान लोगे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर हम लोग अब की बार क्या मानेंगे ना तो आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए ऐसे कंडीशन में आच्छादक के लिए हम लोग बॉय मानते मतलब हम लोग कहेंगे कि माना स बराबर हम लोग मान लेंगे वाई अब हम लोग यक्स बराबर आंसर अगर निकाल लेंगे तो हम लोग कहेंगे अच्छा तक है मतलब समझना हमारे पास क्या है एफ एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे वाई रखेंगे और एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस तीन इसके साथ गुणा में पहुंचा दो तो हम लोग कहेंगे कि यक्स वाई इसके साथ गुणा करेंगे एक्स वाई और माइनस तीन वाई ठीक और बराबर यक्स माइनस दो अब आप एक काम करते हैं कि यहां पर इसे पछांतर करके इधर लाते हैं और इसे पछांतर करके इधर ले जाते हैं तो यक्स वॉय माइनस यक्स बराबर तीन वॉय माइनस दो इसमें यक्स ले लो कॉमन एक्स ले लेंगे कॉमन तो वाई माइनस एक बराबर तीन वाई माइनस दो इसको बटन पहुँचा दो तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे तीन वाई माइनस दो बटे वाई माइनस एक हम लोग यक्स बराबर मान निकालेंगे अगर एक्स बराबर मान निकाल लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि यह अच्छादी फलन है अब हम लोग तीन माइनस तीन माइनस एक रख कर चेक करना चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो दोनों भर ठीक है तो कोई चेक करने की मतलब अगर चेक करना चाहो तो हम लोग कहेंगे या फ आच्छादक आच्छा है तो यफ एक एक भी है और यफ आच्छादक भी है क्वेश्चन नंबर दस के बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह में है मान लीजिए कि यप सच देट आर टेंस टू तो आर एफ एक्स चार द्वारा परिभाषित सही उत्तर का परिभाषित है सही उत्तर का चयन कीजिए तो आप लोग एक काम करते हैं हम थोड़ा सा रेस करते हैं जिससे कि हम ग्यारह बारह को आपको अच्छे से समझा सकें ठीक है तो थोड़ा सा रेस कर देते हैं जिससे कि ग्यारह बार आप लोग समझ जाओगे अच्छे से आसानी को रेस करते हैं अब समझना जैसे हमारे पास ग्यारह नंबर है ग्यारह नंबर में है कि यफ सच दैट आर टेंस टू आर और यहां पर यफ एक्स बराबर हमारे पास यक्स की घात चार ठीक यफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है यक्स की घात चार अब यहाँ पर समझना सबसे पहली बात तो है कि एक्स की घात चार है जैसे मान लो कि हम लोगों ने आर का मान जानते हो प्लस माइनस वन तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लस माइनस वन ले लिया तो माइनस वन की घात चार का मतलब हो गया वन और प्लस वन ले लोगे तब भी प्लस वन की घात चार ले लोगे तब भी उसका मान वन दोनों के एक ही प्रतिबिंब है आप लोग कहोगे दोनों के एक ही प्रतिबिंब है मतलब ये तो फिर एक एक ही नहीं है एक एक ही नहीं है और ना ही माइनस वन और प्लस वन आपस में बराबर है तो हम लोग कहेंगे य एक नहीं है इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि माइनस ऐसा करते माइनस दो बिलोंग्स टू आर अब समझना आर का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो एफ एक्स बराबर एक्स की घात चार बराबर माइनस दो हो मतलब समझना कि जैसे मान लो कि आप लोग आर का कोई मान माइनस वन रखो तो माइनस वन की घात सम है तो माइनस वन की घात भी आप लोग जैसे माइनस एक की घात चार करोगे तब भी आपका एक ही आएगा और माइनस प्लस एक की घात चार करोगे तब भी एक आएगा दो की घात चार करोगे तो दो दिन चार दिन आठ दिन सोलह आ जाएगा मतलब आप लोग माइनस दो ला ही नहीं सकते हो या माइनस एक ले लो तब भी माइनस एक भी नहीं ला सकते हो आप लोग किसी भी कंडीशन में मान लो आप लोग कह रहे हो कि आ, हम लोग यहाँ पर माइनस वन लेंगे तो माइनस वन बिलोंग्स टू आर तब माइनस वन भी नहीं ला सकते हो अगर आप लोग कहोगे माइनस थ्री लेंगे ठीक माइनस थ्री लेंगे तो माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर तब भी माइनस थ्री नहीं ला सकते हो ठीक है थ्री नहीं ला सकते हो इसीलिए आप लोग कहोगे कि यह आच्छादी यानी आच्छादक नहीं है आच्छा नहीं है अतः विकल्प हमारा कौन सा सही है एफ ना तो एक, एक, एक ना ही अच्छाधक विकल्प हमारा डी सही है विकल्प जो है वो डी सही है क्वेश्चन नंबर बारह को देखो क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह को देखो बारह में है कि यहाँ बराबर थ्री एक्स द्वारा आप परिभाषित आर टेंस टू आर में तो यफ एक्स बराबर आपके पास थ्री एक्स है और यफ्स दैट आर टेंस टू आर में है अब इनका कहना है एक एक अच्छाधक है कि नहीं है आप लोग ये बताओगे इनको कि एक एक तथा अच्छाधक है कि नहीं है तो समझना सबसे पहली बात कि आप लोग यहाँ पर आर कहोगे कि माइनस वन प्लस वन से लोगे तो समझना तो ये फ माइनस वन लोगे तो थ्री इंटू माइनस वन तो माइनस थ्री और थ्री इंटू प्लस वन तो बराबर थ्री इंटू प्लस वन बराबर थ्री दोनों के देखो अलग अलग अभी अब माइनस वन प्लस वन और यहाँ पर माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन का प्रतिबिंब माइनस थ्री और प्लस वन का प्रतिबिम्ब प्लस थ्री है मतलब ये एक ही है तो हम लोग कहेंगे यफ एक एक ही है अगर आप लोग एक्स वन एक्स टू से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो तो एक एक ही है छाधक अच्छा के लिए क्या करोगे आप लोग मान लो कि माइनस दो लेते हो माइनस दो नहीं लेते हो अब यहां पर समझना यहां पर प्लस माइनस तीन है तो आप लोग कहोगे कि प्लस माइनस तीन दोनों ले सकते हैं ना प्लस तीन माइनस तीन बिलोंग्स टू आर और आर का जो कि यस बराबर थ्री एक्स बराबर प्लस माइनस थ्री है मतलब आर का मान आप लोग चाहे माइनस एक रखो चाहे प्लस एक रखो आप लोग प्लस तीन माइनस तीन ला सकते हो तो आप लोग कहोगे ये अच्छा ये क्या है आच्छादक है अर्थात एक एक अच्छाधक है तो विकल्प हमारा कौन सा सही है विकल्प हमारा पहला सही है विकल्प हमारा कौन सा सही है पहला सही है इस वीडियो को अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा जरूर एक बार देख लेना दो बार इस वीडियो को देखो कंप्लीट एकदम खलास कर दोगे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे आप लोग ठीक है जहां तक तो उम्मीद है आप लोग एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे कुछ कुछ कहीं कहीं डाउट रहे होंगे कि ये माइनस वन प्लस वन तो ऐसा नहीं है माइ आर होने पर माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री हम लोग ले ले सकते हैं आप लोग लेके चेक कर सकते हो ठीक है कोई जरूरी नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही ले जेड होने पर आप लोग एन होने पर आप लोग आर होने पर आप लोग आई होने पर आप लोग डब्ल्यू होने पर आप लोग क्या क्या लोग हैं हम चैप्टर यानी इसी चैप्टर में मतलब वन पॉइंट वन में एक्सरसाइज जो वन पॉइंट वन है चित्र प्रकाशन की उसमें हम लोग टोटल क्लियर कर चुके हैं उस वीडियो को जरूर विजिट कीजिए ठीक तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने 1.2 पॉइंट टू एनजाइटी जोन कम्प्लीटली खत्म किया है अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में इतना जय हिंद जय भारत अब लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज मिलते जरूर रहिए टेक स्क्रीन शॉट